नमस्कार, मैं सैफ आप सभी का स्वागत करता हूं आईआईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। लेवी स्ट्रॉस को आज के दिन मिला था जींस सिलाई के लिए पेटेंट। सैन फ्रांसिस्को के बिजनेसमैन लेवी स्ट्रॉस ने 20 मई 1873 को जींस सिलने का पेटेंट हासिल किया था। लेवी स्ट्रॉस ने मजदूरों को सुरंग में काम करते देखा तो उनके मन में मोटे कपड़े की पैंट बनाने का विचार आया। इस आइडिया पर काम करने के लिए लेवी स्ट्रॉस को जैकब डेविस ने प्रेरित किया और फिर दोनों ने मिलकर जींस सिलने का पेटेंट हासिल कर लिया, जिससे कोई और इस पर अपना हक नहीं जता सके। अखबार में आज के दिन पहली बार छपी थी ट्रेनों की समय सारणी। पहली बार 20 मई 1830 को अखबार में ट्रेन का टाइम टेबल प्रकाशित किया गया था। इसमें ट्रेनों के स्टेशन पर आने जाने की जानकारी दी गई थी। बैलेटमोर नामक समाचार पत्र ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अमेरिका के डेट्रॉइट और शिकागो शहर के बीच चलने वाली ट्रेनों की जानकारी प्रकाशित की थी। इससे लोगों को समय पर स्टेशन पहुंचने में काफी मदद मिली थी। आज के दिन हथियारबंद लोगों पर आंसू गैस छोड़ने की मिली थी इजाजत। ब्रिटिश पुलिस को 20 मई 1965 को हथियारबंद लोगों पर आंसू गैस छोड़ने और भीड़ को तितर बितर करने के लिए बंदूक के गोले इस्तेमाल करने की इजाजत मिली थी। इससे पहले तक अशांति फैलाने वाली भीड़ पर इस तरह की कार्रवाई करने की मनाही थी। दरअसल 1965 के दौर में इंग्लैंड में नस्ल भेद के खिलाफ काफी आंदोलन हो रहे थे और अक्सर लोग सड़कों पर उतर आते थे। ऐसे में 20 मई 1965 को हाउस ऑफ कॉमन्स में सर फ्रैंक सॉस्की ने कहा था कि पुलिस हथियारबंद भीड़ पर आंसू गैस और डराने के लिए बंदूक के गोलों का इस्तेमाल कर सकती है। हिंदी के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत का आज के दिन हुआ था जन्म। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को कौसानी बागेश्वर में हुआ था। काव्य संकलन पल्लव के साथ पंत की प्रमुख रचनाएं ग्रंथी, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, काला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन तारापथ है। पंत ने हरिवंश राय बच्चन के साथ संयुक्त रूप से कविता संग्रह खादी के फूल प्रकाशित कराया। पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार व काला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए आईआईएमटी मीडिया।